नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान गुरुद्वार व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयागों में से दूसरे प्रयाग रुद्रप्रयाग के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रयाग के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूं मैं आप लोगों को अपने शब्दों के साथ इस प्रयाग की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड जो कि ऐसे ही कई धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के कई स्थल सिर्फ पर्यटक स्थल के रूप में ही नहीं पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में भी लोकप्रिय हैं। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग का अपना महत्व है। केदारनाथ धाम की ओर से आती मंदाकिनी और दूसरी ओर से आती अलकनंदा जिस स्थान में मिलती है, उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को रुद्र नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसलिए रुद्र नाम से इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। इस क्षेत्र में अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर भगवान रुद्रनाथ का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध धर्मस्थल केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण 16 सितंबर 1997 में किया गया। इस जनपद का निर्माण चमोली और पौड़ी के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। रुद्रप्रयाग जिले के इतिहास के बारे में प्रामाणिक लिपि शब्द पर केवल 6वें AD में पाया जाता है। दोस्तों, आज़ादी से पहले यह स्थान टिहरी क्षेत्र के अधीन था। टिहरी का प्रमुख क्षेत्र नागपुर कहलाता है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ नागवंशी राजा राज्य करते थे। बाद में पंवारवंशी शासकों ने अपना शासन स्थापित किया। सन 1804 में यह क्षेत्र गोरखा व 1815 में अंग्रेजों के अधीन रहा। दोस्तों, पुराणों में केदारखंड को भगवान का निवास कहा जाता था। यह वेदों और भारतीय पुराणों रामायण और महाभारत के तथ्यों से लगता है कि इन हिंदू शास्त्रों को केदारखंड में लिखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले स्कंद पुराण केदारखंड के अनुसार महाभारत के समय में पांडवों के युद्ध में विजय होने के उपरांत अपने कौरव भाइयों की हत्या का पश्चाताप करने के लिए पांडव अपना राज्य छोड़कर मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ पहुंच गए और इसी स्थान से पांडवों ने स्वर्गारोहिणी के द्वारा स्वर्ग को प्रस्थान किया था। दोस्तों, नंबर 2 में केदारखंड के अनुसार रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में दर्शन दिए और महर्षि नारद ने रुद्र रूप में भगवान शिव से संगीत की शिक्षा ली एवं भगवान शिव ने उन्हें वीणा प्रदान करी और कहा जाता है कि तभी से इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। दोस्तों, रुद्रप्रयाग सांस्कृतिक रूप से भी मन को अभिभूत कर लेता है। शीतकाल में पुनाड़ में होने वाला पांडव नृत्य महाभारत की कथा को सजीव कर लेता है। यह नृत्य पांडवों के महाभारत से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा का ढोल दमाऊ तथा जागर में मंचन करता है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने विध्वंसक हथियारों को उत्तराखंड के वासियों को सौंप दिया था। दोस्तों, तभी मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे स्थित क्षेत्रों में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। पांडवों के कारण ही यहाँ चक्रव्यूह, गरुड़व्यूह तथा कमल व्यूह का मंचन भी किया जाता है। रुद्रप्रयाग का इतिहास बताता है कि इस विधा का ज्ञान बस उत्तराखंड के लोगों को ही पांडवों ने दिया था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर व चौखंबा पर्वत श्रेणियां प्राकृतिक सौंदर्य से भी मन को मोह लेती है। यहां मौजूद विभिन्न पर्यटक स्थल शीतकाल में भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा यहाँ मौजूद ताल भी रुद्रप्रयाग की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।